अगर आप .NET डेवलपर्स हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। वेलकम टेक्टोनिक फैमिली, आज हम डिस्कस करेंगे द अल्टीमेट सी शार्प .NET रोड मैप फॉर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप अभी सी शार्प शुरू कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ सीखना जरूरी है। आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर भी विजिट कर सकते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होती है। अब जब आप बेसिक्स सीख चुके हैं तो अगला स्टेप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझना, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको एडवांस्ड प्रोग्रामिंग में मदद करेंगे। 2025 में नेट 6 का यूज बहुत पॉपुलर होगा, तो इंश्योर करें कि आप नेट 6 के फीचर्स और एनहांसमेंट्स को अच्छी तरह से समझें। ये प्लेटफॉर्म पहली दफा सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जहां आप वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ASP.NET Core पर फोकस करना चाहिए फॉर वेब डेवलपमेंट। ये फ्रेमवर्क लाइटवेट और हाई परफॉर्मेंस है, और इसमें बहुत सारी मॉडर्न वेब डेवलपमेंट फीचर्स हैं। रेस्टफुल APIs बनाएं, रेजर पेजेस एक्सप्लोर करें और ब्लेजर को देखें फॉर बिल्डिंग इंटरैक्टिव वेब UIs यूजिंग C#। अगर आपको क्लाउड सर्विसेज पसंद हैं, तो Azure को एक्सप्लोर करें। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर है, और माइक्रोसॉफ्ट Azure पर नेट एप्लीकेशंस डिप्लॉय करना बहुत एफिशिएंट है। आप Azure Functions, Logic Apps और Azure DevOps को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। एक और चीज जो 2025 में बहुत जरूरी होगी, वो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर आपकी एप्लीकेशंस को स्केलेबल और मेंटेनेबल बनाता है। आपको डॉकर और कुबरनेट सीखना पड़ेगा फॉर कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन। और फाइनली, अगर आप ट्रूली एडवांस होना चाहते हैं तो AI और मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर करें यूजिंग ML.NET। ये फ्रेमवर्क आपको मॉडल्स बिल्ड करने में मदद करेगा, जिनको आप अपनी NET एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से The Ultimate C# .NET Roadmap for 2025। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस टाइप के कंटेंट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्टोनिक फैमिली, मिलते हैं अगले वीडियो में।